देखिए डिक्सन टेक का ये एक और काउंटर है, सुबह हमारे रेडार पर आया था, वहां से और तेज हो गया, 14,000 के इनफैक्ट ऊपर इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक बार चोपड़ा साहब से इसके बारे में बात करते हैं। चोपड़ा साहब देखें आज ही 1,000 रुपए की मूव आ गई, और खैर ऑल टाइम परफॉर्मर रहा है ये काउंटर, बट डिक्सन टेक और तेजी से ऊपर जा रहा है, जरा एक बार इस पर अपनी राय दें सर। दीप, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जो स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर यही डिक्सन टेक आपको 15,000 जाते हुए देखे तो प्रॉफिट बुक करिए और लो बीटा स्टॉक्स में जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिक्सन टेक एक खराब कंपनी है, मगर अगर आप पिछले एक साल में देखें तो ये लगभग 3 गुना हो चुकी है ये कंपनी। तो जहां पर इस प्रकार की तेजी बनी, नो डाउट पीछे परफॉर्मेंस भी थी, सेक्टर भी ऐसा है जहां पर लोगों का रुझान बढ़ा, फंड्स का रुझान बढ़ा, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि यहां से थोड़ा सा अगर ऊपर आपको मिलता है तो प्रॉफिट बुक करिए और ऐसी कंपनीज ढूंढिए जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है और जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है ग्रोथ का। तो इस तरीके की जब तेजी होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती किसी भी कंपनी में या इंडेक्स में। तो मेरा ये मानना है कि इस तेजी को बुक किया जाए, प्रॉफिट बुक करके आप अपने प्रॉफिट बांधिए और ऐसी कंपनीज ढूंढिए जो या तो चली नहीं है या ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट कम से कम है, और जो बीटा है, बीटा का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है उस स्टॉक में ज्यादा नहीं है। ये राय है आपके लिए डिक्सन टेक पर, चोपड़ा साहब की तरफ से, मुनाफा वसूल करें और दूसरे शेयरों में लगाएं पैसा, ये उनका मानना है। आइए